नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यूनानी स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है यूपी में। हम इस वीडियो में इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपकी फ़ीस रहेगी या एज लिमिट, सभी प्रकार से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो लोक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी UPSC की तरफ से वैकेंसी आई है। जैसे कि आयुर्वेद स्टाफ नर्स और एलोपैथ स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी, कुछ इसी प्रकार से इसकी भी प्रक्रिया रहेगी। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 4/12/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों की प्रूफ फॉर्म, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्र के जिले के नाम, आरक्षण एवं आयु से छूट से संबंधित निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी है, इसमें दो एग्ज़ाम होनी है आपके, जैसे कि आयुर्वेद स्टाफ नर्स के होने वाले हैं। पहले की आपका होगा प्री एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसकी आपकी थोरी में होगा आपका मेंस एग्ज़ाम। रिक्त पदों की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स की कुल पदों, पुरुष की कुल पदों की संख्या जो वो दो संख्या है, तथा स्टाफ नर्स यूनानी महिला पदों की संख्या 25 है। टोटल बात की जाए तो दोस्तों 27 पदों पर यूनानी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है। शैक्षिक आधारता, जैसे कि आपको पता होगा GNM आपके लिए यूनानी से किया होना। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल रही होगी, 4 दिसंबर से इसके अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर लास्ट डेट 1 जनवरी रखी गई है। लास्ट डेट आप 1 जनवरी तक इसमें अप्लाई करा सकते हैं। पे एग्ज़ाम फीस दोस्तों, आपको 1 जनवरी तक ही आपको एग्ज़ाम फीस दे देनी होगी। और दोस्तों, यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम फीस के बारे में, तो आपको यहाँ पर जनरल OBC और AWS के स्टूडेंटों के लिए 125 रुपये फ़ीस रखी गई है। वहीं दोस्तों, SC ST के कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे 95 रुपये फ़ीस देनी होगी। वहीं आप PH में आते हैं तो 25 रुपये यहाँ पर एग्ज़ाम फीस देनी होगी आपके लिए। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें बात करें आयु सीमा के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, भाई मैक्सिमम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप पोस्ट के बारे में मैंने आपके लिए बता ही दिया है। यहाँ पर 2 पोस्ट मेल की रहने वाली हैं, वहीं 25 पोस्ट फीमेल की रहने वाली हैं। और दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको GNM किया होना चाहिए आपके लिए यूनानी डिपार्टमेंट से, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आपका रजिस्ट्रेशन बोर्ड में होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं, आयुर्वेद यूनानी वैकेंसी से जुड़ी हुई। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। थैंक यू।